गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज की हम क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सी लैंग्वेज के अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर हम चलते हैं। मैं आपको नेस्टेड लूप्स का जो कंसेप्ट है वो पढ़ा रहा था, इसमें उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने ये कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे लास्ट टाइम, तो मैं एक सबसे पहले एक सिंपल सा ही प्रोग्राम यहाँ पे एक बार फिर से बना लेता हूँ। तो प्रोग्राम हम क्या बना रहे हैं, प्रोग्राम टू डिस्प्ले फॉलोइंग डिजाइन पैटर्न। एक हमें पैटर्न डिजाइन करना है किस तरीके से, देखो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से वो आपका पैटर्न होगा। गुड मॉर्निंग नीतू, गुड मॉर्निंग। तो हमें ये कुछ पैटर्न ऐसे डिजाइन करना, ठीक है। ये पैटर्न हमने बनाने हैं, काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो देखो हैश इंक्लूड, सबसे पहले हम एक सिंपल सा पैटर्न हम बनाएंगे, हैश इंक्लूड टोनियो डॉट एच। ठीक है, यहाँ पे आप शोर आ रहा था तो मैंने शोर को बंद कर दिया है, अब प्रॉब्लम नहीं होगी। गुड मॉर्निंग प्रियंका। तो हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम, हमने इसमें हेडर फाइल्स हमने यहाँ पे ली हैं। अब या तो आप यहाँ पे void main ले लो या int main लिख लो। मैं जैसे यहाँ पे void main लिख लेता हूँ और int i comma j comma k, मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग दिव्या, यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ। जैसे मैं अभी सिंपल ये वेरिएबल ले लेता हूं और मैंने यहाँ पे n लिया, सी एल आर एस आर यूज टू क्लियर द स्क्रीन, प्रिंट एफ बैकस्लैश n, एंटर नंबर ऑफ रोज, n f परसेंटेज d एंड n। ठीक है, फोर की लूप हम चलाएंगे, i इज इक्वल टू वन। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अभी जे ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने जे की लूप चलाई, सिर्फ मैं इतना लिखता हूँ, ध्यान से समझना इस पूरे प्रोग्राम को, तो काफी कुछ समझ में आएगा। तो अभी इसको भी मैं हटा देता हूँ, कमेंट बना देता हूँ, यानी ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगी आपकी। और यहाँ पे मैंने इसमें क्या लिया, जे इज इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू, मैंने यहां पे क्या कर दिया, फाइव ले लिया। ठीक है, जे प्लस प्लस किया, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा जे। तो इसको मैंने सेव कर दिया, मतलब आपको मैं इस प्रोग्राम की हेल्प से ये बता रहा हूं। यहाँ पे मैं डीपी नाम देता हूँ, डिजाइन पैटर्न, जैसे मैंने वन नाम दे दिया कि हमने जैसे अब ये प्रोग्राम बनाया। तो मेरे पास ये देखो,
क्योंकि मैंने यहाँ पे जे की वैल्यू को मैंने प्रिंट किया है, ठीक है, जे प्रिंट किया मैंने, तो आपके पास जो आउटपुट है यहाँ पे क्या आ रही है, ऐसे 1 2 3 4 5 आपके पास आउटपुट आ रहा है। ओके, और अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूं, एक वेरिएबल और लेता हूं यहाँ पे आई कॉमा जे, यहां पे मैं ले लेता हूं इसके अंदर फोर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस कर देता हूं। और न्यू लाइन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप बैकस्लैश एन लगा दो, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन, सेव किया मैंने कंट्रोल एफ 9, तो कुछ इस तरीके से आपके पास आउटपुट आ रही है, क्योंकि मैंने आई की लुक जो है वो 3 times मैंने लगाई है, तो रो वाइज 3 times आपके पास प्रिंट हो गया। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको कल बताई थी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जैसे मैंने कल आपको बताया था j लेस देन इक्वल टू आई, यानी कि अब मैं इसको सेव करता हूँ तो किस तरीके से आउटपुट आएगी आपके पास 1 1 2 3। ठीक है जी, ये चीज तो मैंने क्लियर करवा दी थी आपको। अब यहाँ पे हम कोई अपनी तरह से भी नंबर इनपुट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या काम किया, एक वेरिएबल ले लिया मैंने n, और इसको मैं कमेंट से हटा देता हूँ ताकि ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो, क्योंकि कमेंट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। तो अब क्या होगा कि जितने नंबर आप डालोगे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग नीलू, गुड मॉर्निंग, जितने नंबर आप डालोगे इसके अंदर, मान लो मैंने 5 rows डाली, तो अभी तो ऐसे ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे n नहीं लिया, i less than equal to मैं यहाँ पे n ले लेता हूँ, सेव करता हूँ, कंट्रोल F9 प्रेस किया, तो देखो जितने नंबर डालोगे 7 उतने तक ये सीरीज चलेगी। ठीक है, यहां तक अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पहले आप वो मुझसे डिस्कस करो, किसी को कोई यहां तक प्रॉब्लम है, एक बार देख लो, ये हमारा प्रोग्राम है, यहां से हमने इसमें काम स्टार्ट किया, इतना हमने किया, किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो, ओके, आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अब देखो, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे कुछ इस तरीके से एक डिजाइन पैटर्न तैयार करना है, तो इस तरीके से डिजाइन पैटर्न तैयार करने के लिए अब मुझे यहां पे क्या काम करना है, मैं एक वेरिएबल मुझे और लेना पड़ेगा, वो वेरिएबल मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, के, क्योंकि मुझे देखो ना, आप जो है यहाँ पे ये देख पा रहे हो, ये स्पेस का एरिया आ रहा है, ये स्पेस का एरिया आ रहा है ना, बट हमारी आउटपुट में तो ऐसा कोई स्पेस नहीं आ रहा है, यहाँ पे इस साइड पे मैं चाहता हूँ वैसा स्पेस आए जैसा यहाँ पे स्पेस आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको आपको यहां से बताऊं तो मुझे एक स्पेस ऐसा चाहिए यहाँ पे, ऐसा ये वाला एक चीज देखो आपके पास, ये चीज यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो रही है, मुझे एक चीज ऐसी चाहिए इसमें, तो मैं क्या काम करूंगा उसके लिए, तो मुझे स्पेस के लिए भी एक लूप चलानी पड़ेगी, और वो मैं लूप यहां चलाऊंगा रो के बाद। मैं क्या काम करता हूं यहां पे, 4 k इज इक्वल टू 1, 1 को k से इनिशियलाइज कराया, k लेस देन इक्वल टू n माइनस i k प्लस प्लस, ठीक है, और यहां पे मैं एक खाली जो है स्पेस दे देता हूं, थोड़ा सा बीच में स्पेस के बीच में ये दे दो, थोड़ा सा स्पेस दे दो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में। तो अब जब मैंने इस तरीके से बनाया, अब आप आउटपुट को चेक करना जरा, तो यहाँ पे देखो 6 डाला, देखो ये आपके पास स्पेस आ रहा। अब मैं आपको इस स्पेस को मेंशन करता हूं, मैं स्पेस को यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाता हूं, मैं यहाँ पे ब्लैंक नहीं छोड़ता, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मैं यहाँ पे स्टार का साइन प्रिंट करवा देता हूं, ये देखिए मैंने स्टार का साइन प्रिंट करवा दिया, कंट्रोल F9 मैंने प्रेस किया, अब जैसे मैं यहाँ पे 6 करता हूं तो 6 से 1 कम होगा स्टूडेंट, ये देखो यहाँ पे स्टार आप प्रिंट कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो,
तो पहली लाइन में देखो कितने स्टार हैं, 5। सेकंड लाइन में कितने स्टार हैं, 4। हर बार हर लाइन में क्या हो रहा है कि एक एक स्टार जो है आपका, वो आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना, कम क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे प्रोग्राम को देखिए, मैंने यहाँ पे n माइनस आई कर रखा है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5। अगर आप मान लो 5 नंबर डालते हो, माइनस आई कर दिया, माइनस आई का मतलब, और आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है स्टूडेंट आपकी, 1। तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 4। अगर मान लो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसमें इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ, मैंने यहाँ पे 5 डाला, तो देखो 4 स्टार्स आएंगे पहली लाइन पे। ठीक है ना, तो एक लुक तो हमारे पास ये चल गई, बट मुझे स्टार नहीं प्रिंट करवाना, मुझे यहाँ पे स्पेस ही रखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो स्टूडेंट हमने इतना काम कर लिया, अब मुझे यहाँ से ये वाला पार्ट पूरा करना है। 1 2 1 2 तो देखो आपके पास आ ही रहा है, कंट्रोल F9 प्रेस किया, देखो 1 2 1 2 3 आ रहा है। अब मुझे इसके बाद 2 के बाद मैं चाहता हूँ 1 आए, 3 के बाद मैं चाहता हूँ कि 3 2 1 आए, 4 के बाद मैं चाहता हूँ कि 4 3 2 1 आए, इस तरीके से आपके पास आए। तो मुझे अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे मैं देखिए इसमें मैं क्या काम करता हूं, एक वेरिएबल में यहां पे मुझे और लेना पड़ेगा, मैं यहां पे एक वेरिएबल इसके अंदर और ले लेता हूं, जैसे यहां पे मैं एल ले लेता हूं, और यहां पे आफ्टर जे की लूप के बाद मैं यहां पे इधर एक रिवर्स में एक लूप प्रिंट करा देता, प्रिंट एफ, यहां पे जे इज इक्वल टू, मैंने यहां पे एल इज इक्वल टू, मैंने आई माइनस 1 कर दिया, एल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 किया, एल माइनस माइनस किया, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा एल, ये हमने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, कंट्रोल F9 प्रेस करता हूं, फंक्शन कॉल मिसिंग, प्रिंट एफ एल इज इक्वल टू एल ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहां पे प्रिंट एफ नहीं आएगा, 4 आएगा। कंट्रोल F9, तो अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज डालता हूँ 6, तो अब ये देखिए आपके पास वो आउटपुट आ चुकी है, 1 1 2 1। अब इसके लिए देखो हमने क्या लॉजिक लगाया, इसके लिए हमने लॉजिक ये लगाया स्टूडेंट कि मैंने यहाँ पे L इज इक्वल टू आई माइनस 1 कर दी, कि I की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, आपके पास मान लो 6 डाली, तो माइनस 1 कितना आएगा, 5। आप कहते हो स्टूडेंट कि मैं यहाँ पे I कर देता, मैंने माइनस 1 क्यों किया, अगर हम देखो अब मैंने यहाँ पे सिंपल I कर दिया, मैंने माइनस 1 नहीं किया, तो कंट्रोल F9 में जैसे ही प्रेस करूंगा तो क्या होगा, ये देखो 6 7 डाला आपने या 6 डाला आपने, मैंने यहाँ पे 6 डाला, तो देखो वो नंबर दोबारा रिपीटेशन हो रहा है सिर्फ आई लिखने से, कि 2 फिर देखो 2 दोबारा आ रहा है, 3 तो फिर देखो 3 दोबारा आ रहा है, 4 तो फिर देखो 4 दोबारा आ रहा है, जबकि मुझे ये क्या चाहिए था कि इसमें से मुझे एक कम चाहिए था, तो कम के लिए मैंने स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या काम किया, L इज इक्वल टू आई माइनस 1 कर दिया, तो अब एक एक कम होता जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कि इट मीन्स यहाँ पे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप 6 डालते हो तो यहाँ पे 2 1, यहाँ देखो 3 2 1, यहाँ देखो 4 3 2 1, यहाँ देखो 4 5 4 3 2 1, इस तरीके से आएगा। तो अब मुझे आप बताओ कि ये वाला प्रोग्राम आपको समझ में आया, एवरी स्टूडेंट प्लीज टेल मी You understand this, all of you, this program? Okay. ऑनलाइन पढ़ने से सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो गए, इतनी जल्दी स्टूडेंट्स को क्लास में समझ में नहीं आता था, लेकिन ऑनलाइन बड़ी जल्दी समझ लेते हैं स्टूडेंट, एक ये सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है ऑनलाइन। मैं ऑफलाइन सब स्टूडेंट्स को समझाता था, उन्हें इतनी जल्दी समझ में नहीं आता था, बट ऑनलाइन स्टूडेंट बड़ी जल्दी समझ लेते हैं, है ना।
अब तो मैं फिर सोचता हूँ कि ऑनलाइन ही मैं क्लास लगाया करूँ, क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हर स्टूडेंट की तरफ से मुझे आंसर मिलता है यस यस यस, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ओके अब इसमें हम थोड़ा सा ना, इसमें हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब जैसे स्टूडेंट मैंने ये प्रोग्राम बनाया ना ऊपर, मैं इसको नए नाम से सेव करता हूँ। डिजाइन पैटर्न हमारा पास ये 2 है, यहां पे मैं क्या काम करता हूं, 1 2 3 रिवर्स में आ जाइए, 2 1 फिर यहां पे हो के 1 2 1 ठीक है, और फिर इसमें आपके पास आ जाए 1। अब मुझे इसको थोड़ा सा रिवर्स में करना है, तो मैं इसमें थोड़ा सा काम क्या करता हूँ, चेंज कर दूंगा। सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा, बिल्कुल आपने ऊपर कुछ नहीं चेंज करना, सारा कुछ वैसे ही। आप नीचे आ जाओ, नीचे आके आपने एक चीज चेंज करनी है कि जो आपने सबसे वाली ऊपर रो में आई इज इक्वल टू रो वाइज 1 i < n i++ किया था ना, यहाँ पे आके आपने क्या करना है, बस इसको उल्टा कर दो। आप यहाँ पे रिवर्स लगा दो, 4 i = n, क्योंकि हमने रिवर्स करना है ना, i = n - 1, i > 1, यहाँ i - कर दो आप। बाकी जो ऊपर ये लूप लगी हुई है एज इट इज की एज इट इज, यहां तक कॉपी पेस्ट कर दो इसको, कुछ नहीं करना जी। आप यहाँ पे ये कर दो, 4 k = 1, k < n - i, फिर यहाँ पे k++, यहाँ पे आप printf ठीक है, फिर यहाँ पे 4 की लूप चला दो, j = 1, j < n = i, j++, printf %d, j, और l = i - 1, l > 1, l - - printf %d, l, printf \n। ये मैंने इसको सेव कर दिया, Ctrl F9। मैं नंबर डालता हूँ यहाँ पे 6, तो आप ये अब देखोगे स्टूडेंट, उसको रिवर्स करने की वजह से आपके पास एक नया डिजाइन पैटर्न आपके पास आ गया, सिर्फ जस्ट आपने थोड़ा सा उसके अंदर चेंज किया। ठीक है, हाँ जी, स्मार्ट क्लास का जमाना है। हाँ चल, हाँ जी बिल्कुल, स्मार्ट क्लास का जमाना है। तो ये सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ ये वाला प्रोग्राम भी, जल्दी से मुझे अपना बताओ प्लीज कमेंट करके कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो सारा कुछ सेम वही है, बस हमने लास्ट वाली रो में रो वाइज को हमने उल्टा कर दिया, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट के भी अंदर ये प्रोग्राम इस जो इससे पहले हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा आपको ये चीज जल्दी समझ में आ जाएगी। जल्दी से जल्दी मुझे सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें कि सर क्लियर है, क्लियर है। ओके ठीक है, तो आपका क्लियर जो है वो ठीक है, बढ़िया है। अब आगे हम इसके अंदर क्या काम करते हैं, एक दो डिजाइन हम और ले लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो हमें क्या डिजाइन बनाना है स्टूडेंट, यहां पे मैं इसमें क्या काम करता हूं डिजाइन। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं यहां से इसमें से इसको हटा देता हूं, ठीक है, ऐसे ही मैं इसमें से इसको हटा देता हूं, ठीक है, ऐसे ही मैं इसमें से 1 2 3 4 5 इसको हटा दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे, फिर इधर आ जाओ, 1 2 3 1 2 3 इधर आ जाओ, 1 1 ठीक है। अब मुझे ये बनाना है,
तो अब हम इस प्रोग्राम में कैसे काम करेंगे? देखो इसमें भी, इसको भी मैं नए नाम से सेव कर लेता हूं, DP3। सब कुछ वैसे ही रहेगा, इतने ही वेरिएबल लेने हैं अपने, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं यहां पे करना, कोई चेंज नहीं। अब इधर आ जाओ, मैं यहां पे क्या कहता हूं कि यहां पे एक कंडीशन लगा देता हूं कि इफ अगर जे की वैल्यू यहां पे 1 हो तो जो है जे को प्रिंट करे, ठीक है, जहां जे की वैल्यू 1, एल्स बाकी जब जे की वैल्यू 1 आए आपके पास तो जे को प्रिंट करे, एल्स नहीं तो उनको खाली रहने। तो जहां जहां जब आपके पास 1 होगा वहां तो उसको वो प्रिंट कर देगा, बाकी उसे खाली छोड़ देगा। तो मैं इसको इतना सेव करता हूं, जरा कंट्रोल F9 प्रेस करता हूं। तो देखो मैंने नंबर रोज लगाई, तो देखो 1 1, अभी तो 2 1, अभी थोड़ी सी हमारे प्रोग्राम के अंदर गलती है, अभी हमारे पास ये वाला एक साइड हमारे पास पूरा हो गया ना 1 1 1 1 1। तो देखो जहां पे 1 आ रहा है वहां तो प्रिंट हो रहा है, इधर ये खाली आ रहा है। अब थोड़ा सा और प्रोग्राम के अंदर मुझे चेंज करना पड़ेगा, ऐसे नीचे एल के अंदर भी मैं कमांड लगाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या काम कर देता हूँ, इफ एल इज इक्वल टू 1, कि जहां एल की वैल्यू 1 आती है वहां पे क्या हो जाए, परसेंटेज डी कॉमा एल एल्स प्रिंट एफ, इसे खाली छोड़ दो, सेव कर दो, कंट्रोल F9 प्रेस करो। डेक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, इसको हटा दे। तो मैं अब नंबर यहां पे 7 डालता हूं। तो देखो हमारा ऊपर वाला काम ये पूरा हो गया, अब यही प्रोसेस हमें यहाँ पे क्या करना है, नीचे भी करना है। तो मैं क्या काम करता हूं, नीचे भी जहां पे जे वाला आपने काम किया हुआ है वहां पे भी आप यही चीज लगा दो। यहां पे क्या जे, इफ अगर जे की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाए, एल्स प्रिंटर इसे खाली छोड़ दो। सेम यही यहां पे काम कर दो, इफ एल इज इक्वल टू 1 कंट्रोल F9 प्रेस करो। मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 7। तो ये देखो आपके पास वो प्रिंट हो जाएगा कि जब जे की वैल्यू 1 आ रही है तब तो वो प्रिंट कर रहा है, अदरवाइज इसको वहां पे वो खाली रखें। क्लियर हुआ स्टूडेंट आपको ये प्रोग्राम? सिंपल सा प्रोग्राम था ये। कोई प्रोग्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो बताओ जरा, अगर आपको प्रोग्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो। किसी की कोई क्वेरी स्टूडेंट? है किसी की कोई क्वेरी स्टूडेंट? ओके तो अभी आज इसमें इतना देखिएगा, ठीक है, बाकी काम फिर मैं इसके अंदर आपको कल बताऊंगा, ठीक है। इतना आज के लिए हम इसमें डिस्कस करते हैं।
तब तक जो पिछले वीडियो से जिन्होंने नहीं देखे वो आप देख लीजिएगा, ओके। बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।